उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है अस्केयर मैट्रिक्स मैट्रिक्स मस्ट जो है स्केयर होना चाहिए अस्केयर मैट्रिक्स ए इज इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज कि अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए दोनों आंसर इक्वल आ जाए मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है इफ़ एम इज इक्वल टू वन टू थ्री टू माइनस वन फोर थ्री फोर जीरो तब जब इसका ट्रांसपोज लिया ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है इसको फर्स्ट रो के अंदर कन्वर्ट किया है ये आपके पास सेकंड कॉलम है, है इसको आपने सेकंड रो के अंदर कन्वर्ट किया है और ये आपके पास थर्ड कॉलम है इसको आपने थर्ड रो के अंदर कन्वर्ट किया है तो आप यू कैन सी एम एंड एम ट्रांसपोज आर इक्वल कि वन वन के इक्वल है टू टू के इक्वल है थ्री थ्री के इसी तरह से एवरी एलिमेंट इज इक्वल तो देन एम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या होगा अगर इसका ट्रांसपोज लेने से वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या होता है मैट्रिक्स इस तरह अनदर uh, एग्जांपल है इफ ए इज इक्वल टू टू माइनस वन थ्री वन टू थ्री थ्री टू थ्री ठीक है तो इसका जब तो ट्रांसपोर्ज लिया है तो क्या हो गया इधर जाके आपका इफेक्ट हो गया ये वन है और ये क्या हो गया माइनस वन है तो एक एंट्री जो है वो चेंज हो गई है तो एक एंट्री भी चेंज हो जाए तो वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा ठीक है तो इस तरह से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर लेंगे उसके बाद आपके पास है ए इज नॉट अ सिमेट्रिक उसके बाद है स्क्यू uh, सिमेट्रिक वट इज मेड बायट्रिक मैट्रिक मैट्रिक्सर मैट्रिक्स स्क्यूस मैट्रिक्स मैट्रिक्स अ स्केयर इज सेट टू बी अ स्क्यूस आकट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए कि अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए आए तो वही मैट्रिक्स है लेकिन एंट्री के साथ जो है साइन का डिफरेंस आए इफ ए इज इक्वल टू जीरो माइनस टू थ्री टू जीरो माइनस वन थ्री वन जीरोन ए ट्रांसपोज इसका जब ट्रांसपोज लिया है तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको फर्स्ट रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया ये जो सेकंड कॉलम है इसको सेकंड रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया ये जो आपके पास थर्ड कॉलम है इसको थर्ड रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया और बाद में इसमें से माइनस हमने कामन निकाला है तो जो हर एलिमेंट का जो साइन है वो चेंज हो गया तो ये जो है दोबारा आपके पास माइनस कॉमन निकालने से दोबारा ए आ जाएगा अब इसकी एग्जाम्पल देखें कि कैसे लिखनी होती है आपने ये जो डाय इसको हैं डायगनल कुछ भी रख लेनी है और ये जो दो एलिमेंट्स है ये मतलब अपोजिट होने हैं ये वाले जो होने हैं इन दोनों के आपने अगर इधर पॉजिटिव वाला लिख लिया है तो इधर नेगेटिव वाला लिख लेना है अगर इधर पॉजिटिव वाला तो इधर नेगेटिव वाला अगर इधर पॉजिटिव वाला तो इधर नेगेटिव वाला इधर इधर पॉजिटिव भी रखा जा सकता है इधर नेगेटिव भी लेकिन दोनों एलिमेंट सेम लिख के एक का साइन पॉजिटिव और दूसरे का साइन नेगेटिव लिख लेने सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए देर फोर ये माइनस आपके पास है देअर फोर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि अगर उसका ट्रांसपोज लेने से वो माइनस ऑफ एक इक्वल आ जाए तो वो स्कीमेट्रिक है और अगर आपके पास है, उसका स्केल लेने से त्रां, सॉरी ट्रांसपोज लेने से वो दुबा, उसी के इक्वल आए मतलब कोई माइनस वगैरह ना आए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक इन दोनों में जरा डिफरेंस जो है वो अच्छे तरीके से आप देखिएगा उसके बाद डिफाइन डायगनल मेट्रिक मैट्रिक्स क्या आते हैं

टू भी नॉन जीरो हो सकते हैं थ्री के थ्री भी नॉन जीरो हो सकते हैं इज नॉट जीरो ये जो है जीरो नहीं सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए एट लीस्ट वन जो है नॉन जीरो या नॉट जीरो होना चाहिए एंड नॉन डायग्नल इस डायग्नल के अलावा जो एंट्रीज हैं ऊपर और जो नीचे होंगी वो सारी की सारी एंट्रीज आर जीरो होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो है डायगनल मैट्रिक्स है क्योंकि जो डायगनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है जो थ्री की थ्री नॉन जीरो है कोई इफेक्ट नहीं है ऊपर जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं वो भी जीरो हैं ठीक है ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से ये क्या होगा अडायगनल मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है थ्री बाय थ्री मतलब स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए बी क्या है वन टू थ्री सॉरी वन टू टू है तो ऊपर भी डायगनल के एंट्रीज जीरो हैं नीचे भी डायगनल के एंट्रीज जीरो हैं तो ये क्या होगा डायगनल मैट्रिक्स और डायगनल एंट्रीज नॉन जीरो है इस तरह सीज इक्वल टू जीरो टू थ्री तो इसमें से एटलीस्ट वन नॉन जीरो होनी चाहिए तो इसमें से टू नॉन जीरो आ रही है तो ये डायगनल मैट्रिक्स होगा इसी तरह से टू थ्री ये भी डायगनल मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर टू बाय टू है इस ये भी डायगनल uh, मैट्रिक्स है इसके इसके एलिमेंट्स क्या है वन फोर इसका भी ऑर्डर भी क्या है टू बाय टू तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद हमारे पास है दो टाइप्स रह गई हैं तो इसके बाद हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या हमारे पास है? स्केलर मैट्रिक्स के आ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर कि एक डायगनल मैट्रिक्स आपके पास स्केलर कब होता है कि इफ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम डायगनल एंट्रीज है वो सारी की सारी क्या हो जाए सेम हो जाए एंड नॉन जीरो और नॉन जीरो होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल के 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 और के की वैल्यू ना जीरो होनी चाहिए ना वन होनी चाहिए जीरो और वन के अलावा कोई ना कोई होनी चाहिए मतलब टू टू फोर फोर एट एट टेन टेन ए ए ए पी 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 भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है लेकिन जीरो और वन नहीं होनी चाहिए अगर जीरो जीरो आ जाए तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा तो एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 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 डायगनल है ए, सेम है और नॉन है जीरो है इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री तो ये भी क्या चाहिए? होना चाहिए स्केयर मैट्रिक्स मस्ट होना चाहिए बी इज इक्वल टू थ्री थ्री इसका ऑर्डर कितना है टू बाय टू ये भी आपके पास स्केलर है इसमें तो एलिमेंट ही एक है ठीक है तो ये आपके पास इसका फाइव है आंसर इज आर स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन बाय वन उसके बाद जो लास्ट टाइप है हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट ये टाइप्स है स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए स्केलर होना चाहिए इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज स्केलर में क्या होती है स्के सेम होती है ठीक है तो जो जिस मैट्रिक्स की एंट्री सेम हो और सेम होने के साथ साथ क्या हो वो सारी की सारी वन ही हो वन के अलावा कोई ना हो तो उसको क्या बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल इसको आई से डिनोट किया जाता है किसे डिनोट किया जाता है आई से आई इज इक्वल टू वन 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 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इसका कितना है थ्री बाय थ्री ऑर्डर क्या होता है नंबर नंबर ऑफ ऑफ रोज और कॉलम्स आई इज इक्वल टू वन जीरो जीरो इज आइडेंटिटी आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है टू बाय टू इसका ऑर्डर कितना है टू बाय टू आई इज इक्वल टू वन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इसका कितना है वन बाय वन उसके बाद नोट है दो पॉइंट नोट के अंदर है कि आ, स्केलर, में स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो सकता है डायगनल हो सकता है स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगनल मैट्रिक्स मस्ट भी डायगनल होता है लेकिन डायगनल मैट्रिक्स मे नॉट बी स्केलर और आइडेंटिटी देखिए डायगनल में जरूरी नहीं होता कि एलिमेंट सेम हो या ना हो बस नॉन जीरो के लिए कंडीशन होती है तो जो डायग्नल है वो स्केलर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते आइडेंटिटी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते लेकिन जो स्केलर और आइडेंटिटी होते हैं वो मस्टली डायागनल होते हैं ठीक है तो आज है इनको आप टाइप्स ऑफ जो मैट्रिक्स है इसको डिस्कस करें जो है बाद में हम इसकी एक्सरसाइज वन पॉइंट टू डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज